खवातीन हजरात, क्या हाल चाल है? आप सबका ठीक ठाक है? इन्हें आप सब फिट फाट होंगे, चकर चकास होंगे और आपका भाई भी एकदम फिट फाट है। आज हम मरी ये कुछ व्लॉग्स लेके आए हैं। मरी में यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं जब आप यहाँ पर आए हैं, और किन किन जगहों को विजिट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ये कश्मीर पॉइंट आए तो यहाँ पर बेशुमार पॉइंट्स हैं। वेलकम टू बागे शहीदा पार्क। तो ये पार्क है कश्मीर पॉइंट के ऊपर, तो ये एंट्रेंस है। यहाँ से आप एंटर होके आए, मैं आपको दिखाता हूँ। बागे शहीदा एक पॉइंट है यहाँ पर, जहाँ पर ये मस्जिद है, और ये आपको मेरे पीछे मीनार पाकिस्तान भी नज़र आ रहा होगा। और इसके अलावा यहाँ पर झूले वगैरह भी हैं, और मस्जिद है इस साइड पर, तालाब वगैरह भी है यहाँ पर। क्या ही ज़बरदस्त प्लेस है जंगलों के दरमियान में। और ये आपको कुछ झूले वगैरह नज़र आएंगे। आपका भाई इस टाइम मॉर्निंग में निकला, सुबह बहुत ज़्यादा धुंध थी, मेरा था सुबह अर्ली निकलूं, लेकिन शुक्र है धूप निकल आई है। और सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा धुंध थी, बादल आए हुए थे नीचे, तो शाम के टाइम यहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है। और ये कुछ झूले हैं बच्चों के लिए, जो इन्जॉय कर सकते हैं प्रॉपरली। अभी तो ऑब्वियसली बंद है, तो ये मेरे ख्याल से 11 बजे के बाद ओपन हो जाता है। ये डिस्कवरी भी है यहाँ पर। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पर कहता चलूँ, ये डस्टबिन ये है, और ये आप देख रहे हैं रैपर्स पड़े हुए हैं। तो आपसे मेरी यही गुजारिश है कि आप जब आए इधर तो इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें कि सफाई वगैरह लाजमी हो, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं रखते हैं, स्पेशली इन जगहों पे। और यहाँ पर ये रेस्टोरेंट भी है, आर के बिस्ट्रो रेस्टोरेंट है। यहाँ की सिटिंग भी है, बड़ी आला सिटिंग है। कश्मीर पॉइंट के ऊपर कोई 4-5 तालाब है, जहाँ से पूरी मरी को पानी जाता है। सुबह सुबह यहाँ पर डोगीज फिर रहे हैं। इस तालाब में कुछ पानी है, ये आप देख सकते हैं अगर आपको नजर आ रहा है तो। और यही आगे पाथ है, और ये नीचे कश्मीर पॉइंट पे उतर जाता है। वहां से भी आप ऊपर आ सकते हैं, मैं वहां से भी आपको दिखाऊंगा जो पॉइंट है जी। तो ख्वातीन हज़रात, होपफुली आपको मेरी शक्ल भी नज़र आ रही हो। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, स्पेशली ये कश्मीर पॉइंट के ऊपर ये पॉइंट है। पहला ये बागी शहीद है पॉइंट है, फिर आगे कश्मीर पॉइंट पे हम चलेंगे तो आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर आप क्या क्या कर सकते हैं। वो खोखे हैं वहाँ पर, तो आप जब आए वहाँ तो पकौड़े चिप्स वगैरह वहाँ पर आप खा पी सकते हैं। अभी तो सारा कुछ बंद होगा, तो लेट्स सी, आपको दिखाते हैं कि कहाँ आप सेटिंग कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, अपना टाइम स्पेंड, अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और कश्मीर पॉइंट को कश्मीर पॉइंट इसलिए कहा जाता है कि यहाँ से कश्मीर की जो माउंटेन्स हैं, पहाड़ियाँ हैं, वो नज़र आती हैं यहाँ से। अभी अगर मौसम क्लियर हुआ तो मैं आपको दिखाऊँगा जी। तो ख़वातीन हज़रात, ये कश्मीर पॉइंट के ऊपर मुजस्मे बनाए गए हैं, और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बादशाह का सूट है, उससे पहले भी कोई एक बादशाह का ही लिबास लग रहा है, फिर उसके बाद ये अंग्रेज़ों का दौर आ गया, देन उसके बाद ये अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म की तस्वीर है, फिर उसके बाद ये हमारे जो मुल्क और कौम की जो डिफरेंट सूबे हैं उनकी अक्कासी, इनके लिबास से ये पता चल रहा है कि ये हमारे मुल्क और कौम की अक्कासी है, लाइक पठान, सिंधी, बलोची, कश्मीरी। तो इसको आप देख सकते हैं, ये बड़ा अच्छे से इन्होंने यहाँ पर मुजस्मे बनाए गए हैं, और ये हमारे हिस्ट्री को जो चेंज हुआ कायदे आज़म और इल्लामा इकबाल के टाइम पर, और दैन आजकल जो करंट सिचुएशन हमारे मुल्क की, वो रिप्रेजेंट किया। और इनके हाथ में पाकिस्तान का झंडा भी है, तो इससे आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये यहाँ पर क्यों बनाए गए और क्या मकसद है इनका।
दिनों रात अभी आपने देखा जहाँ पर खोखे वगैरह बने हुए थे और वहाँ पर बैठ कर आप चाय और समोसे पकोड़े चिप्स वगैरह इंजॉय कर सकते हैं। और इस टाइम जिस पॉइंट पर मैं खड़ा हूँ ये एक चौक है, ये मेरा पीछे सड़क पे देख सकते हैं, ये माल रोड से सड़क आ रही है, इसको सड़क को हाल रोड कहते हैं। और ये पिछली जो मुझे आप देख सकते हैं ये भी माल को ही जा रही है सड़क, और बीच में कश्मीर एक पॉइंट आता है, कश्मीर पॉइंट है जहाँ पर भी मैंने आपको दिखाया। ये आगे की तरफ आप देख सकते हैं ये सड़क जो आ रही है ये गवर्नर हाउस की तरफ जा रही है, प्लस ये आप पिंडी या जिका गली की तरफ से आप यहाँ से आ सकते हैं।